हेलो व्यूअर, इस क्लास में हम सीखेंगे कि एडोबी पेज मेकर में किस तरह हम क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम व्यूअर को ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक मॉडल पेपर दिखाता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया हुआ है एडोबी पेज मेकर में। हेडर सेक्शन आप देख सकते हैं, ये हेडर सेक्शन है पेपर का। इसके अलावा टाइम अलाउड, मैक्सिमम मार्क्स और नोट सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में मैंने दो सेक्शन क्रिएट किए हुए हैं, एक सेक्शन है सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन ए आप देख सकते हैं क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 4 क्रिएट किए हुए हैं जिसमें ए बी पार्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप सेक्शन बी देख लें तो उसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है, और लास्ट वन जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट भी दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट देते हैं कि किस तरह इसी तरह सेम टू सेम एज इट इज इसी तरह क्वेश्चन पेपर हम किस तरह क्रिएट करेंगे एडोबी पेज मेकर में। तो एडोबी पेज मेकर आप ओपन कर लें, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप फाइल पर आप आ जाए और फिर इसके बाद न्यू ऑप्शन पर आप क्लिक कर लें। पेपर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, पॉइंट है, वो है पेज साइज। ठीक है, तो यहाँ से पेपर साइज आप सेट कर लें। पेपर साइज अगर आप A4 रखना चाहते हैं या लीगल रखना चाहते हैं तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो मैं A4 लेता हूँ। ठीक है, A4 पेपर साइज मैंने यहाँ पर सेट किया, और इसके अलावा बाकी सेटिंग बिल्कुल ठीक है A to Z। और फिर इसके बाद आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने A4 साइज का पेपर ओपन होगा। तो अब आप क्वेश्चन पेपर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रूलर से आप इस तरह कर ले, यहाँ पर सेंटर पर आप रूलर को आप ले आएँ। ठीक है, यहाँ पर ये पेपर का बिल्कुल सेंटर है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि पेपर का जो हेडर एरिया है वो आपने यहाँ से क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये आप किस तरह क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए आप हेडर को सबसे पहले टाइप कर लें। तो यहाँ से मैं टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर ले, 14 आप रख ले। ठीक है, अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टाइम न्यू रोमन है तो ठीक है, एज इट इज इसको मैं रखता हूँ। ठीक है, पेपर आप स्टार्ट कर लें। अच्छा, अब आप इस तरह कर ले कि इसको आप जूम कर ले ताकि करीब से नज़र आए। Ctrl+1 बिल्कुल ये फेट विंडो है। ठीक है, Ctrl+2 अगर आप प्रेस कर ले तो ये भी जूम इन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप पेपर को जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टाइटल लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस तरह कर ले एनुअल। ये आप इस तरीके से आप हेडिंग लिख ले। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस सब हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आप आ जाए टाइप टूल पे और यहाँ से अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट से आप सेंटर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अब ये पेपर के बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, ये हेडिंग जो है ये 14 में रखना है, बाकी आप 12 या 13 में आप रख लें। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अगर आप टाइप करना चाहें तो यहाँ से आप 13 टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 13 हो गया। फिर इसके बाद आप क्या कर लें, फिर इसके बाद आपने टाइप करना है, यहाँ पर आप क्लिक कर ले टाइम अलाउड। ठीक है, मैक्सिमम 2 hours। फिर इसके बाद आपने टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है। ठीक है, जब आप टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप पेपर के बिल्कुल दूसरे साइड राइट साइड पे आप चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स वो है 100 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आप बैक साइड पे आप ले आए। ठीक है, आप ये बिल्कुल सेट है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आप इस तरह कर ले कि एक लाइन आप ड्रा कर ले, लाइन आप किस तरह ड्रा करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने इस टूल बॉक्स में आना होगा और यहाँ से आपने लाइन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर ले, शिफ्ट बटन के साथ आप लाइन ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है,
ये मैंने लैंड ड्रा किया। अब इसके बाद आप क्या कर लें, नोड आप स्टार्ट कर लें, यहाँ से आप क्लिक कर लें नोड। ठीक है, तो ये मैंने एक नोट लिख लिया। अब आप इस तरह कर ले कि इस लाइन को इसके साथ बिल्कुल लेवल पे लाना है। ठीक है, तो फ्रॉम से पहले आप क्लिक कर ले, टैब बटन आप कीबोर्ड से प्रेस कर ले, अगर ये नहीं आता तो फिर इसके बाद आप स्पेस बटन प्रेस कर ले मोर देन वन टाइम। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या टाइप करना है, टैब बटन आप प्रेस कर ले कीबोर्ड से, जब आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख ले तो इसको भी आप सेट कर ले। ठीक है, टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस कर ले, या अगर टैब बटन काम नहीं कर रहा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्पेस, स्पेस बटन के थ्रू आप इसको लेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको सही लेवल पर अभी आ गया। इसके अलावा इसके अगर फॉन्ट्स आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 12 है, इसको मैं 11 रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो शायद पहले आपको 11। ठीक है, तो ये 11 हो गया, और यहाँ से बैक स्पेस बटन आप प्रेस कर लें। ठीक है, तो हम सेक्शन सेक्शन को आप नीचे लें। ठीक है, फिर इसके बाद टैब बटन आप कीबोर्ड से प्रेस कर लें, अगेन यहाँ से एग्जामिनेशन आप बैक साइड कर आते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग आप कर लें, टैब बटन आप कीबोर्ड से टाइप कर लें। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, रिपोर्ट को भी, रिपोर्ट रिपोर्ट को आप नीचे लें। तो अब ये बिल्कुल सेम टू सेम एक ही लेवल पे। ठीक है, एंटर की आप प्रेस कर लें, फिर इसके बाद आप सेक्शन स्टार्ट कर लें, जहाँ से आप लिख लें सेक्शन। सेक्शन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि यहाँ से की पर आप क्लिक कर लें सेक्शन, और ये बोर्ड होना चाहिए, सॉरी ये अपर केस में होना चाहिए सेक्शन ए, और फिर इसके बाद इसको आप बोल्ड कर लें। ठीक है, यहाँ से भी आप टाइप कर लें, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर इस पर दोबारा आपने क्लिक करना है। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर लें, अब आपने इसको सेंटर मिला। ठीक है, ये सेंटर पर आ गया। अब इसके बाद आप क्या कर लें, सेक्शन आप स्टार्ट कर लें, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन। ठीक है, टी टाइप कर लें, यहाँ से क्वेश्चन टाइप कर लें, और उसका जो साइज़ होगा वो 12 होगा, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन आप स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी क्वेश्चन वन, इसके भी आप फ़ॉन्ट साइज़ आप रख लें 11। ठीक है, यहाँ से 11 आप खुद टाइप कर लें, एंटर की आप प्रेस कर लें, फिर इसके बाद टैब बटन आप कीबोर्ड से प्रेस कर लें और क्वेश्चन टाइप कर लें। वही सेम टू सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर आप क्लिक कर लें, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर लें, अगर टैब काम नहीं काम कर रहा। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या कर ले, इसको स्पेस बटन के थ्रू आगे ले जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद आप क्या कर ले, क्वेश्चन नंबर टू टाइप कर ले, टैब बटन अगेन आप प्रेस कर ले, इस क्वेश्चन को आप पार्ट ए रख ले। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बी होगा। ठीक है, बी पार्ट, इसको भी यहाँ से आप टैब बटन प्रेस कर लें और इसको भी सेव कर लें। व्हाट आर एडवांटेज,
सेक्शन ए क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन बी को क्रिएट करना है, तो वो किस तरह क्रिएट करेंगे, इसको आप कॉपी कर लें कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और फिर इसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस कर लें और इसको आपको नीचे लेना है, ठीक है। जब आप नीचे ले आएंगे तो फिर आप इस तरह कर लें कि दोनों को आप सेलेक्ट कर लें बाय यूजिंग शिफ्ट बटन, ठीक है। और फिर इसके बाद आप आ जाएँ लेआउट पर, सॉरी टाइप टूल पे, और यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर लें, अलाइनमेंट अलाइन या एलिमेंट पर आप आ जाएँ, अलाइन ऑब्जेक्ट। अलाइन ऑब्जेक्ट पर आने के बाद इस विंडो में आप इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद वो जो बटन टाइप कर लें तो ये सेक्शन बी भी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और ये अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप बी कर लें और यहाँ से क्वेश्चन आप टाइप कर लें सेक्शन बी के, क्वेश्चन नंबर 5। तरीके से आप क्वेश्चन पेपर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पर सोना प्रेस कर ले कीबोर्ड से, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमने किस हद तक कंप्लीट किया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेक्शन के हेडर को, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पेपर के हेडर को, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्शन टूल आप सेलेक्ट कर लें, ये हेडर हो गया। फिर इसके बाद ये नोट वाला सेक्शन, सेक्शन वाला सेक्शन बी क्या कम्प्लीट हो गया, जिसमें टोटल नंबर आप क्वेश्चन 4 हो गए, ठीक है। और ये है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो भी 5 है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन पेपर कि किस तरह आप क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हैं एडोबी पेज मेकर में। तो ये था तरीका, इसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर आसानी के साथ एडोबी पेज मेकर में आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।